हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केमिस्ट्री लर्नोपीडिया में। आज का विषय हम लोगों का पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है। इसमें हम लोग बात करेंगे कि लास्ट मंथ में किस तरीके से प्रिपेयर करें हम लोग CSIR नेट के लिए, क्योंकि आज से केवल 28 डेज ही पेपर के लिए बचे हुए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। और इस वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि किस तरीके से मैंने अपने लास्ट मंथ में प्रिपरेशन की थी। और सबकी स्ट्रेटजी अलग-अलग होती है, लेकिन मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, क्योंकि बहुत सारे जब रिजल्ट अनाउंस हुआ था तो मैसेजेस और कॉल्स के थ्रू मुझसे पूछा गया था कि सर किस तरीके से आपने तैयारी की, या जो फ्रेंड्स लोग थे उन्होंने भी पूछा हुआ था। तो इस वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, तो उससे रिलेटेड अगर आपको कुछ अच्छा लगे तो आप भी उसको फॉलो कर सकते हैं। तो अब शुरू करते हैं हम लोग अपनी आज की वीडियो, और उसमें देखते हैं कि हम लोग लास्ट मंथ में किस तरीके से एग्ज़ाम के लिए नेट CSIR नेट के लिए किस तरीके से प्रिपेयर करें। तो सबसे पहले तो लास्ट मंथ बचा हुआ है, हार्ट बीट बढ़ने लगी होगी और नर्वसनेस भी आती है इसमें लास्ट मंथ में, क्योंकि जैसे काउंटडाउन शुरू होता है और नर्वसनेस हार्ट बीट बढ़ना इंक्रीज हो जाती है। लेकिन आपको इन सब के बीच अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है, क्योंकि लास्ट मंथ में बिल्कुल कॉन्फिडेंस लूज होने लगता है। ये सोचते हैं कि कैसे कवर होगा कैसे कवर होगा, तो इससे आपको सोचना ही नहीं है कि कैसे कवर होगा। आपको करना है कि हमें कवर करना ही है। टॉपिक को जितना भी आप पढ़ें उसको पूरा ही कंप्लीट करके उठें। जैसे अपने आप को बिल्कुल कॉन्फिडेंट रखना है, क्योंकि ड्राइविंग फोर्स तो हम लोग धीरे धीरे लगाते हैं, लेकिन लास्ट मंथ में हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा एक्सलरेट होना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें अभी तक आप लोगों ने जितना भी पढ़ा है बस उतना ही पढ़िए। अब कोई भी नया टॉपिक इनक्री मत उठाइएगा कि अगर आपको ऐसे लगता है अरे मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, मैंने ये नहीं पढ़ा वो नहीं पढ़ा, तो इन सब चीज़ों को भूल जाइए। आप लोगों ने जितना भी अभी तक पढ़ा हुआ है, जितना भी इम्पोर्टेंट पढ़ा है, बस सिर्फ उतना ही आप लोगों को पढ़ना है। और देखना है अब कि जितना मैंने पढ़ा हुआ है उसका क्या मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अगर नहीं किए हैं तो उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए और उनको बार बार रिवाइज करिए। और बात आती है कि हम लोग रिवाइज कैसे करें इस महीने में, तो मैं आप कह रहा हूँ यहाँ से जो 15 दिन का ड्यूरेशन है इसमें आप लोग सिर्फ वही पढ़िए जो पुराना पढ़ा हुआ है। और जब तक आप कोई एक जैसे फिजिकल में क्वांटम स्टार्ट किया आपने, आप एक डायरी पे नोट करिए कि मुझे इतने 15 दिन में इतना शेड्यूल पूरा अपना इसको फॉलो करना है और ये टॉपिक हमें कवर करने हैं। जैसे क्वांटम हुआ, तो क्वांटम में कई सारे टॉपिक्स हैं, पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स, हाइड्रोजन एटम, HMO थ्योरी है, वीरियल थ्योरम है, और वेरिएशन प्रिंसिपल है, टनलिंग इफेक्ट है, सिमेट्रिक फंक्शन एंटी सिमेट्रिक फंक्शन इस तरीके से रिलेटेड है। तो आप इन सबको एक साथ नहीं, आप लोग पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स पढ़ा उससे रिलेटेड क्वेश्चन करिए, HMO पढ़ा उससे रिलेटेड क्वेश्चन करिए, वीरियल थ्योरम पढ़ा उससे रिलेटेड क्वेश्चन करिए, और वेरिएशन प्रिंसिपल किया उससे रिलेटेड आप लोग क्वेश्चन करिए, पर्टरबेशन उसी में आता है, पर्टरबेशन फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर उससे रिलेटेड क्वेश्चन करिए। और फिर एक साथ जितना भी प्रीवियस ईयर, पहले टॉपिक वाइज हम लोगों को करना है कि थ्योरी पढ़ा और कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए न्यूमेरिकल सॉल्व किए, उसके बाद पूरा क्वांटम एक साथ फिर से रिवाइज करना है। इससे क्या होगा कि जब हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ रहे होंगे तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन करेंगे तभी क्लियर हो जाएंगे। और फिर हम लोग ये देखेंगे कि जितना भी क्वांटम हम लोगों ने अब तक पढ़ा है उसको एक बार फिर से जब हम लोग कवर करेंगे तब देखेंगे कि क्या हम लोगों को वो चीज़ उतनी याद रह पा रही है या नहीं रह पा रही है। अगर याद नहीं रह पा रही है तो फिर से आप लोग उसको सॉल्व करिए। एक बार पूरा प्रीवियस ईयर 2011 से लेके जून 2019 तक जितना भी अपना अभी तक आया हुआ है उसको आप लोग फिर से रिवाइज करिए और क्वेश्चन को लगाइए। ठीक है, बात आती है जैसे ही अब आप ऑर्गेनिक अगर पढ़ रहे हैं तो रिएक्शन इंटरमीडिएट स्टार्ट कर दिया, या रिएक्शन मैकेनिज्म या रिएजेंट, जो भी आप टॉपिक उठाएं उसको कंप्लीट करके ही उठें। जैसे आप लोगों ने जैसे ही कंप्लीट कर लिया
तभी उठना आपको बेहतर होगा, क्योंकि अगर कहीं से बीच बीच में स्ट्राइक आप लोग उठते हैं तो उससे क्या होता है कि हम लोगों का जो टाइम ड्यूरेशन जितना हम लोग सेट करते हैं उससे ज़्यादा टाइम हम लोग अपने टॉपिक में ले लेते हैं। इसीलिए पहले आपने जितना सोच के रखा है उतना पूरा कवर करिए, ठीक है। अब बात आया है टेस्ट सीरीज़ का, तो टेस्ट सीरीज़ को हम लोग किस तरीके से दें, तो इसमें भी मैं वही कहूँगा कि अगर आप लोगों ने टेस्ट सीरीज को से भाग रहे हैं तो ये चीज़ गलत है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो सोचते हैं कि अभी तो मेरा ये टॉपिक बचा है, वो टॉपिक बचा है, तो मैं टेस्ट कैसे दूं, मेरे मार्क्स कम आएंगे, कॉन्फिडेंस डाउन होगा। तो आपको ये चीज़ सोचना भी नहीं है, क्योंकि अगर आप ये चीज़ सोच रहे हैं तो बहुत गलत सोच रहे हैं। क्योंकि आपको मैं बता रहा हूँ कि आप दो टॉपिक पढ़िए, जैसे टेस्ट आज से 3 दिन बाद है, तो आप ये देखिए कि जो मैं टॉपिक पढ़ रहा हूँ तो क्या उस टॉपिक के लिए मैं वेल प्रिपेयर्ड हूँ या नहीं हूँ। तो आप सिर्फ सिलेक्टेड टॉपिक स्टार्ट करिए कि मुझे इतना पढ़ना है और इतना पढ़ के ही वो टेस्ट देना है, और उस टॉपिक से रिलेटेड उस टेस्ट में कोई भी गलती ना हो पाए, तब आप सक्सेसफुल जरूर होंगे। क्योंकि जब मैंने भी अपनी प्रिपरेशन की थी लास्ट 15 डेज में, तो टेस्ट होते रहते थे, टेस्ट सीरीज ज्वाइन की हुई थी, तो जैसे 4 से 5 टेस्ट होते हैं, तो उसमें मैंने अपना सिलेक्ट कर लिया था कि मुझे ये वाला टेस्ट इतने टॉपिक पढ़ के देना है, और मैंने किया भी वही कि मैंने 4 से 5 टॉपिक सिलेक्ट किए, 2-3 दिन में उनको पढ़ा, उनसे रिलेटेड प्रीवियसर के क्वेश्चन लगाए और टेस्ट पेपर में बैठा। तो जैसे ही टेस्ट सीरीज दी उससे रिलेटेड मेरे कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हुए, तो फिर मैंने जब 4 से 5 दिन और बचे तो उसमें रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे मैंने दूसरे टॉपिक पढ़ना स्टार्ट कर दिए। फिर देखा कि मैंने जो पिछले पढ़े हुए थे और अब जो पढ़ा उसमें से तो कुछ गलत नहीं हो रहा है, तो उसमें भी कुछ गलत नहीं हुआ। तो ऐसे करके आप लोग 10 से 15 दिन में सारा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, और आपको एक कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हाँ मैंने जितना पढ़ा है अब उसमें से कुछ भी गलत नहीं हो रहा है। तो इसमें क्या हुआ, हम लोग ये तो नहीं सोच रहे हैं कि अरे सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो हम लोग टेस्ट नहीं दे रहे, मार्क्स कम आएंगे आने दीजिए, उससे आप लोग टेंशन मत लीजिए कि मार्क्स कम आ रहे हैं। क्योंकि जब आप नेट के एग्जाम तक पहुंचेंगे तब आपका जितना भी टॉपिक्स होगा वो सारा का सारा कंप्लीट हो चुका होगा, और फुल लेंथ टेस्ट सीरीज ऑनलाइन अगर आपने दी हुई है तो लास्ट के 5 डेज में फुल लेंथ टेस्ट सीरीज ही दीजिए, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, कहीं भी आप लोग ज्वाइन किए हो तो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज हो या ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हो, उसको भी आप लोग देते रहिए। और उनसे रिलेटेड अगर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए हैं तो सॉल्यूशन करना ना भूलिएगा, सॉल्यूशन जरूर करिएगा, और उसको बार बार उसमें देखिएगा कि कौन से कॉन्सेप्ट्स बार बार पूछे जा रहे हैं, क्योंकि जो टेस्ट सीरीज होती है उसमें उन्हीं टॉपिक्स को सबसे ज़्यादा कवर किया जाता है जो पिछले 8 साल में नेट में पूछे गए हैं, ठीक है। तो आप इतना अगर आप करेंगे तो यकीन मानिए कि आपने जो मेहनत पिछले 4 महीने या 5 महीने में की थी वो हम 1 महीने में भी उतना कवर कर सकते हैं, और 1 महीने की तैयारी में आप लोग अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो सफल हो जाएंगे। क्योंकि 1 महीने अगर कंफर्ट जोन में जाने, इसी लास्ट महीने में अगर कंफर्ट जोन में जाने की कोशिश की आप लोगों ने, तो आप ये मानिए कि कंफर्ट जोन 1 महीने का, पीछे आप लोग सीधा सीधा 6 से 7 महीने पीछे हो जाएंगे, आप अपने से भी, आप अपने समय से और आप अपने दोस्तों से। तो आपको इस 1 महीने में चाहे रात दिन एक करना पड़े, 15 घंटे, 16 घंटे, 17 घंटे, जितना भी आपको पढ़ना है आप उतना पढ़िए, कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए और आगे आने वाले एग्जाम में सफल होइएगा। और इसी शुभकामनाओं के साथ अपने आप पे विश्वास रखिएगा, पेपर एग्जाम हॉल में भी आप लोगों को बिल्कुल अपना कॉन्फिडेंस डाउन नहीं करना है, पहले जो कुछ भी आ रहा है
उसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप लोगों को, अगर मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की बात करूं, तो आपका फोकस पहले पार्ट सी पर होना चाहिए, क्योंकि पार्ट सी में 100 मार्क्स का पेपर 100 मार्क्स का होता है, और उसमें 4 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, 25 आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। तो आप लोगों को करना सिर्फ इतना है कि आप पहले पार्ट सी पे देखिए। पार्ट सी में पहले एक नज़र में जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं उनको सॉल्व कर लीजिए। ये नहीं करना है कि आप एक ही क्वेश्चन को लिए बैठे रहे कि हाँ मैं यही करना है यही करना है, लेकिन ऐसा नहीं करना है। आप पहले पार्ट सी पे जाइए, एक पूरा ओवरव्यू लीजिए पार्ट सी का, एक नज़र में जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं उनको मार्क करिए, उनको सॉल्व करके फिर ही आगे, फिर आप दूसरी बार देखेंगे पार्ट सी को। फिर उसमें जो जो भी क्वेश्चंस हैं, थोड़ा अगर कैलकुलेटिव हैं तो उनको छोड़ दीजिए, उस पर भी मार्क फॉर रिव्यू कर लीजिए। मार्क फॉर रिव्यू करने से आपको ये होगा कि आपको पता चल जाएगा कि हाँ मैंने इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, ये मुझे आता है और इसको मुझे अभी सॉल्व करूंगा मैं थोड़ी देर में। तो पार्ट सी को जब आप इस तरीके से कंप्लीट कर लेंगे 2 से 3 बार में, उसके बाद आप लोग पार्ट बी में जाइएगा। पार्ट बी में भी इसी तरीके से करना है कि एक ओवरव्यू लेना है सारा, कि आपको एक नज़र में कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसमें आपको जितने भी आ रहे हैं उनको मार्क एंड सेव करिए। उसके बाद जो आ रहे हैं थोड़ा सा लेंदी है उनको मार्क एंड रिव्यू करिए और आगे बढ़िए। फिर हम लोग पार्ट ए में जाएंगे, पार्ट ए में जो एक नज़र में आ रहे हैं उनको कर लेंगे, क्योंकि पार्ट ए और पार्ट बी दोनों ही 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो पहले जो एक ही निगाह में हम लोगों को समझ में आ रहा है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, तो उनको एक ही बार में आप लोग कर लीजिए। और फिर हम लोग सेकेंड राउंड देखेंगे कि हाँ पार्ट ए और पार्ट बी में अब कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो छूट रहे हैं, तो उनको भी आप लोग देखिएगा अच्छे से, और मार्क फॉर रिव्यू वाले क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट कीजिएगा। और अगर आपका 130 से 140 के बीच में फर्स्ट अटेम्प्ट जो आप फर्स्ट ओवरव्यू ले रहे हैं उसमें आपका अगर सॉल्व हो जाता है, तो जो भी आपको थोड़ा सा भी अगर डाउट लग रहा है तो उसमें आप लोग तुक्का मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तुक्का मेथड भी अप्लाई करने के लिए आपको 50-50 में ही जाना पड़ेगा। 50-50 का मतलब है आपको तीन चार ऑप्शन में से 2 तो एलिमिनेट होंगे और 2 में डाउट रहता है, तो उन 2 में जो डाउट रहेगा उसमें अगर थोड़ा सा भी आप कंफर्म हैं 50-50 है तो आप उसमें लगा सकते हैं। फिर देखना ये है कि आप लोग 110 से नीचे ना जाएं, अगर नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो इसी तरीके से आप लोग अगर तुक्का मेथड अप्लाई करते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 80-90 मार्क्स पे हैं तो आप लोग ने उसको थोड़ा सा और टाइम लीजिए, किसी कैलकुलेटिव पार्ट है सॉल्व करिए, तो देखिएगा कि आप लोग आराम से 110 से 120 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आपको पेपर करना है, और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपको आगामी एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर प्रीसियस टाइम टेक मी, थैंक यू।